श्रोमणी अकाली दल संयुक्त दे प्रधान अते साबका केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींडसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट वालों हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे पक्ष विच फैसला सुनाए जान तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं वड्डा धक्का लगा है। इसलिए पूर्ण तौर ते बादल परिवार जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि बादलों की माड़ी सियासत कारण ही हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होंद विच आई है। ढींडसा ने देश विच गुरुद्वारा साहिबाना की बेहतर सेवा संभाल लई केंद्र सरकार कोलों ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बादल दल ने कदे भी हरियाणा के सिखा नूं मान सम्मान नहीं दिता, जिस कारण उन्होंने मजबूरी बस वखरा झंडा चुकना पिया है। ढींडसा ने कहा कि SGPC ते बादल परिवार का कब्जा है अते उन्हां दे कहण ते श्रोमणी कमेटी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जेकर श्रोमणी कमेटी चाहती तो हरियाणा के सिखां दे मुद्दों नूं आपसी तालमेल नाल सुलझा सकती सी, पर बादल परिवार की माड़ी सियासत ने अजिहा नहीं होण दिता, जिस कारण हरियाणा के सिखां ने उत्थों दे गुरद्वारा साहिबाना की सेवा संभाल की जिम्मेवारी लई वक्री प्रबंधक कमेटी बनाउणा ही उचित समझिया। Please subscribe Pravasi TV and press the bell icon.